तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं केमिस्ट्री लैब इक्विपमेंट्स को और सेटअप को। चलिए चालू करते हैं। ये है हमारा फर्स्ट इक्विपमेंट, एक टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब आपके काम आता है लिक्विड्स को फिल करने में, और आप इसमें स्मॉल अमाउंट के केमिकल्स के रिएक्शन भी कर सकते हो। फिर ये है हमारा टेस्ट ट्यूब होल्डर, ये टेस्ट ट्यूब को होल्ड करने में काम आता है कुछ ऐसे। फिर आपको इसमें लिक्विड हीट भी कर सकते हो। हीट करने के लिए आपको लगेगा जो हमारा थर्ड इक्विपमेंट है वो है स्पिरिट लैम्प। स्पिरिट लैम्प यहाँ से ऐसा खुल जाता है, खुलने के बाद कुछ ऐसा है। इसमें अगर आप आग लगाओगे और इसमें लिक्विड्स को आप ऐसे हीट भी कर सकते हो। ये और एक बर्नर है, बंसन बर्नर की जगह मैं इसे यूज करता हूँ। अगर आपको जानना है ये कैसे बनाते हैं तो कमेंट कीजिए। फिर हमारा जो नेक्स्ट है इक्विपमेंट वो है बीकर, ये आपको लिक्विड्स को ट्रांसफर करने में काम आता है। हमारा नेक्स्ट जो है वो है एक क्रॉनिकल फ्लास्क, ये लिक्विड को स्टोर करने में, हीट करने में काम आता है। फिर हमारा जो नेक्स्ट इक्विपमेंट है वो है एक वॉच ग्लास, ये बीकर के को ढकने के लिए काम आता है कुछ ऐसे। इसके और भी काम है, आप इसमें कोई रिएक्शन भी करा सकते हो या ऑब्जर्व भी कर सकते हो। हमारा जो नेक्स्ट इक्विपमेंट है वो है गारंटीड सिलेंडर, कुछ ऐसा दिखता है ये। इसमें लिक्विड को स्टोर करके ट्रांसफर करने में काम आता है। फिर जो हमारा नेक्स्ट इक्विपमेंट है वो है ड्रॉपर, हम इसमें से लिक्विड को ऐसे लेके ट्रांसफर कर सकते हैं दूसरे यहाँ पे। फिर हमारा जो आता है नेक्स्ट वो है वॉच ग्लास, हमारा नेक्स्ट इक्विपमेंट है वो है वॉश बॉटल, ये यहाँ से आप इसको दबा सकते हो और ये वॉश करने में काम आता है। फिर जो हमारा नेक्स्ट है वो है स्टोरेज बॉटल, देखिए ये स्टोर करने के लिए काम आता है केमिकल्स को, जैसे कि आप देख सकते हो उसमें मैंने स्टोर किया हूँ। और कुछ ऐसे भी ये तो कांच की थी, प्लास्टिक के भी मिलते हैं ऐसे, आप ले सकते हो, ये आपको 5 रुपए में मिल जाएगी। फिर जो हमारा आता है वो है राउंड बॉटम फ्लास्क, मेरे पास राउंड बॉटम फ्लास्क नहीं था तो मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ फिलहाल के लिए। फिर जो हमारा नेक्स्ट है वो है इवेपोरेटिंग डिश, इवेपोरेटिंग डिश आप इसमें चीजों को रख के इवेपोरेट कर सकते हो अगर वो ज्यादा ही वेट रही तो, जैसे कि इसमें वेट सोडियम हाइड्रोक्साइड था तो मैंने उसको हीट किया है। फिर जो हमारा नेक्स्ट आता है वो है फॉरसेप्स, ये आपको छोटे छोटे चीजों को होल्ड करने में काम आता है। फिर हमारा जो नेक्स्ट इक्विपमेंट है वो है फनल, ये आपको काम आता है फनल, ऐसे ये चीजों को ट्रांसफर करने में काम आता है कि यहाँ से कोई लिक्विड डालो और फिर वो यहाँ से निकलते है कोई चीजों को ट्रांसफर करने में। फिर जो हमारा नेक्स्ट है वो है वायर गेज, ये इसके ट्राइपॉड स्टैंड पे इसको रख के इसको हीट करने में काम आता है। फिर जो हमारा नेक्स्ट है वो है ट्राइपॉड स्टैंड, देखिए इस पे हीट करने में काम आता है। इसके नीचे हम बर्नर को रख देते हैं कुछ इस तरह से, और फिर हम इसके ऊपर वायर गेज रखते हैं। फिर हम लिक्विड्स या फिर कोई भी सॉलिड को इसके ऊपर ऐसे गर्म कर सकते हैं। जो हमारा नेक्स्ट है वो है एक इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, ये आपको एक्यूरेट वॉल्यूम को मेजर करने में काम आता है कि मुझको ये बीकर का वैल्यू जानना है तो हम इसे टेयर कर देते हैं। हम समझिए ये आयरन है,
वो इसका जानना है वेट 3 grams, तो हम इसको यूज कर सकते हैं अभी। जो हमारा नेक्स्ट है वो है नेक्स्ट इक्विपमेंट है वो है टेस्ट ट्यूब क्लीनर। ये टेस्ट ट्यूब को क्लीन करने में काम आता है। आप टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल के इसको अच्छे से क्लीन कर सकते हो। ये जो इक्विपमेंट्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, तो आप वो वीडियो भी जरूर देखिएगा।